सबई पुंसांग मरो धर्मा जतो भक्ति रधो खजे अहैतुके अप्रतिहता जया आत्मा संप्रसीदति। धर्म, धर्म किसको कहा जाता है कोई समझ नहीं, समझ नहीं। अच्छा है सबई पुंसांग करो धर्म सबई पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति रघो खजे। श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय पाठ नंबर 6 सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, उनको प्रश्न किया गया था कि भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान जो अवतार इस धाम से अपने धाम में चले गए तो ये धर्म और ज्ञान किधर रख गए, तो वो भागवत में ऐसे बताया जाओ पुराना को गुना उदित कृष्णे सधाम उपगते। भगवान अपना सधाम में चले जाने के बाद वो धर्म ज्ञान की श्रीमद भागवत में छोड़ दिए। तो श्रीमद भागवत ने बताया कि धर्म की सबसे बढ़िया धर्म कौन है, सबई पुंसांग परो धर्म। परो का अर्थ होता है ये प्राकृतिक भौतिक जगत का नहीं। हाँ, जैसे भगवत गीता में दो शक्तियों के बाद प्रकृति की विषय भगवान सुनाया है, भूमि रप अनल वायु खंगमन बुद्धि रेव। एक भौतिक ये जो प्रकृति मेटीरियल एनर्जी जिसमें भूमि जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि अहंकार ये 8 प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति भगवान सुनाए अपरायम इतस्तु विधि में प्रकृति परा। और एक प्रकृति है वो परा प्रकृति। वो परा प्रकृति कौन है, निजीव भूत महाभाव जयदम ध्याजते जगत। यदि जीवात्मा जैसा हम लोग है, आप है, हम है, तब जीवात्मा मैं भी एक प्रकृति, बाकी परा प्रकृति। तो धर्म भी 2 प्रकार का होता है। जब शरीर का संपर्क से धर्म का जागरण किया जाता है उसका नाम
अपरा धर्म निकृष्ट और उत्कृष्ट धर्म है पराप्रति। निकृष्ट धर्म में प्रवृत्ति और उत्कृष्ट धर्म में निवृत्ति। प्रवृत्ति रेशान भूतानाम निवृत्तेस्तु महाफलम। जब तक प्राकृत धर्म में रहेंगे हम लोग तो ये कर्मकांड का जो विचार है कि हम परिश्रम करके शरीर को खूब सुखी करेंगे, इस जीवन में भी करेंगे और पुण्य कार्य करके फिर आगे जाके स्वर्गलोक में जाएंगे, उधर भी शरीर को खूब सुखी रखेंगे। ये विचार जो है ये अपराधर्म, ये पराधर्म नहीं। और क्योंकि मैं पराप्रकृति है इसलिए हमारे लिए वो पराधर्म जो है वही योग्य। ये पराधर्म का विषय है सूत गोस्वामी बता रहे हैं। सभी पुंसांग परो धर्म जथो भक्ति व दुख जी। तो पराधर्म क्या चीज है, जिसको जाजन करने से भगवान में भक्ति रुचि होती है, उसका नाम है पराध। सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु। तो भक्ति जो है ये प्राकृत नहीं है, अप्राकृत। इसलिए भगवान भगवद्गीता में बताए हैं, मां जव्याचारिणी भक्ति जोगी न जा सेवती सगुणान समती तो एतान ब्रह्म भूयाय कल्प। भक्ति योग जो है वो ब्रह्म भूमिका में है। मायावादी लोग केवल ब्रह्मानुभव करके वहां सब चीज समाप्त कर देते हैं, परंतु असल में केवल ब्रह्मानुभव होने से ही काम नहीं बनेगा। ब्रह्म कार्य में नियुक्त होना चाहिए। तो ब्रह्म कार्य क्या चीज है ये भी भगवान भगवद्गीता में बताए हैं, ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परा। ब्रह्मभूत होने का पश्चात यानी अहं ब्रह्मास्मि, मैं भौतिक वस्तु नहीं है, भूमि रप अनल वायु ये वस्तु मैं नहीं, शरीर जो है हमारा ये मट्टी अग्नि पानी वायु आकाश ये सब चीज से बना हुआ, ये मैं नहीं। अहं ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा आत्मवस्तु है, ये ज्ञान का नाम है ब्रह्म ज्ञान। अहं ब्रह्मास्मि, तो ये ब्रह्म ज्ञान होने का पश्चात क्या क्या उसका लक्षण होता है भगवान बताए। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा, यदि वास्तविक किसी को ब्रह्मानुभव हुआ तो वो प्रसन्न आत्मा हो जाता, और जब तक भौतिक अनुभव है कि मैं शरीर है, ये शरीर को इस देश में मैं प्राप्त किया है, अतः हम भारतीय है, हम अमेरिकन है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम मोटा है ताजा है, इस शरीर का परिचय अनेक प्रकार है। कि शरीर का परिचय जब हम छोड़ देता है तब हमारा ब्रह्म ज्ञान होता है, उसका नाम है ब्रह्मभूत। अभी जो हमारा परिस्थिति है वो जीवभूत। तो जीवात्मा असल में भगवान का अंश रूप है। ममैवांश जीवभूत जीवलोक सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये इंद्रियों और मन को लेकर के हम ये भौतिक जगत में
लड़ाई कर रहे हैं सुखी होने के लिए, ये हमारी अवस्था है। तो इससे हमको मुक्ति होनी चाहिए। ये मनुष्य जीवन का ध्येय वस्तु है और कुछ काम नहीं है। आत्म तत्व जिज्ञासा, जीव से तत्व जिज्ञासा। मनुष्य जीवन में एकमात्र कार्य है कि मैं तात्विक क्या है, ये शरीर है क्या और कुछ है, ब्रह्म वस्तु है। कि ये ज्ञान होने से उसको बोला जाता है ब्रह्म भूत, और वो ज्ञान बहुत जल्दी हो जाती है। यदि मांच व्यभिचारिणी भक्ति जोगे न सेवन, यदि शुद्ध भक्ति से भगवान की सेवा किया जाए तो ये जो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ये बहुत जल्दी हो जाता है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रेरित जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहितकम। भगवान वासुदेव उनके चरण में भक्ति योग से सेवा करने से जनयति आशु वैराग्यम, बहुत जल्दी उसको दुनिया से वैराग्य हो जाता और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता। तो इसलिए इधर बता रहे हैं सभी पुंसान करो धर्म, धर्म अवश्य जाजन करना चाहिए, परंतु वो धर्म जाजन कीजिए जिसका जरिया से आपको अधोख जो भगवान है उसमें भक्ति हो। ये परधर्म भगवान का नाम है अधोखज। अधोखज का अर्थ होता है जो हमारा जो प्राकृतिक ज्ञान है, इंद्रिय जो ज्ञान है उसके ऊपर अबान मनस्य गोचर, और केवल अनुभूति मात्र है जो भगवान है। भगवान है हमारा सामने ही है, बाकी ये चर्म चक्षु से मैं देख नहीं सकता हूं, अनुभव कर सकता। तो इसलिए भगवान का नाम है अधोखज। इन्हें मेंटल स्पेकुलेशन से, मनोधर्म से भगवान क्या चीज है, निराकार है कि आकार है, किस तरह से भगवान का रूप है, किस तरह से कार्यक्रम है, ये सब अनुभव और कुछ धर्म से हो नहीं सकेगा। एकमात्र पराभक्ति से सभी पुंसां पराधर्म, यानी ये भगवत गीता में भी यही बता है और श्रीमद् भागवत में यही चीज बता रहे हैं सभी पुंसां परो धर्म। और भगवत गीता में भी भगवान स्वयं बता रहे हैं ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोच थी न कांक थी। ब्रह्मभूत होने से जब उसको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी, फिर उसको कोई आकांक्षा और सोचना नहीं रहेगा। जब तक भौतिक जीवन हमारा रहेगा, जो चीज हमारा पास है नहीं उसके लिए आकांक्षा रहेगी, ये चीज हमको चाहिए, और जो चीज हमारा पास है उसको नष्ट हो जाने से हमारा शोक होगा, सोचना होगा। इसका नाम है प्राकृत जीवन, भौतिक जीवन सोचना और आकांक्षा। और ब्रह्मभूत हो जाने से ये दो चीज नहीं रहेगा। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती और समस्त सर्वेषु भूतेषु, उस समय सब जीवात्मा को एक हम लोग देख सकते हैं। जो पंडिता समदर्शी, जब वास्तविक पंडित हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो सबको जीव आत्मा दर्शन करते हैं। वो ऊपर का जो शरीर है उससे दर्शन नहीं करते कि ये मनुष्य है, ये जानवर है, ये ब्राह्मण है, ये कुत्ता है। नहीं, वो कुत्ता का शरीर भी नहीं देखता है,
वो ब्राह्मण का शरीर भी नहीं देखता, वो देखता शुद्ध जीवात्मा ब्रह्मदर्शन उसका नाम। तो वो अवस्था में हम लोग को जाना चाहिए, इसलिए मनुष्य जीवन है। धर्म जागरण मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, ये मनुष्यतर जीवन में नहीं हो सकेगा। इसलिए मनुष्य के लिए धर्म है, जानवर के लिए धर्म नहीं होता। यदि हम लोग धर्म को छोड़ देता है तो फिर हम लोग जानवर हो जाते हैं। धर्मे न हीना पुसुभी समाना, वो जितने धर्म है, धर्म का अर्थ होता है ड्यूटी, ऑक्यूपेशनल ड्यूटी। ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है। बाकी असल में धर्म का अर्थ होता है कि भगवान से संपर्क। जैसा कानून होता है, हर एक चीज का एक कानून होता है। रास्ता में चलिए, उधर भी कानून है, लेफ्ट कीप टू दी लेफ्ट, कीप टू दी राइट। तो कहीं भी जाइए, गवर्नमेंट का अधीन में कानून मान के हमको चलने पड़ता है। तो कोई भी धर्म जागरण कीजिए, उसका अर्थ होता है कि भगवान का संपर्क से चलना। निजबंधे कृष्ण संबंधे युक्त वैरागमुच, कि भगवान का संपर्क नहीं रहता है उसको धर्म नहीं कहा जाता। वो पशु धर्म, भगवान से संपर्क रख करके जो धर्म जाजन किया जाता है वो असल धर्म है। धर्मंतु साक्षात भगवत प्रणी। इसलिए भागवत में आपको सुना रहे हैं कि सभी पुंसान परो धर्म, अप्राकृत, प्राकृत नहीं, भौतिक नहीं। सभी पुंसान परो धर्म जतो भक्ति, भक्ति का अर्थ होता है भगवान की सेवा, भजो सेवाया। तो भक्ति नौ प्रकार के होते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सत्यम आत्मनिवेदनम। ये नौ प्रकार के भक्ति, ये जैसा आप लोग श्रवण कर रहे हैं ये भी भक्ति है, और मैं कीर्तन कर रहा हूं ये भी भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, किस विषय का श्रवण कीर्तन, इधर कोई पॉलिटिकल मीटिंग नहीं है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन, उसका नाम है भक्ति। और नहीं तो हम लोग तो श्रवण कीर्तन करता ही है, ये जो इतना हल्ला हो रहा है ये भी एक श्रवण कीर्तन है, वह दूसरी चीज का विषय, वो श्रवण कीर्तन नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, यदि विष्णु का विषय श्रवण कीर्तन हो तो वो भक्ति है। और कोई विषय में श्रवण कीर्तन होने से वो भक्ति नहीं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, और श्रवण कीर्तन होने से स्मरण होगा, भगवान का विषय स्मरण होगा। यदि आप मंदिर में गया, ये अर्चन है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम। अर्चनम भगवान का मंदिर है, उधर जाके नमस्कार किया, आरती दर्शन किया, कोई घंटा बजाया, कोई थोड़ा नाचा, कीर्तन किया, ये सब अकाउंट में जाता है। सुकृति, सुकृति इसका नाम है, सुकृति। ये सुकृति को संचय करना चाहिए, ये सुकृति संचय करने से, जैसा एक एक पाई अब जमा कीजिए, बहुत दिन जमा करते करते देखिएगा 2000-4000 रुपया हो गया, उसमें कुछ काम बनता है। एक पाई में नहीं बनता है, ताकि थोड़ा थोड़ा जमा करते जाइए तो एक दिन 2000-4000 रुपया हो जाएगा और उसमें आपको कुछ काम बन जाएगा। इसी प्रकार ये जो सुकृति है, इसको संचय करते जाइए,
ये जो स्वीकृति है भक्ति, थोड़ा थोड़ा यदि आप जमा करते जाइएगा तो एक दिन महान भय से आप उत्तीर्ण हो जाएंगे। इसका उदाहरण स्वरूप ये अजामिल उपाख्यान है कि अजामिल वो ब्राह्मण का लड़का था, फिर असत संग द्वारा उसका व्यवहार आचार सब दुराचार हो गया, वेश्याशक्त हो गया, चोर हो गया, बदमाश हो गया, गुंडा हो गया। बाकी एक उसको ब्राह्मण का लड़का था, पहले भगवान की सेवा जरूर किया है पिता माता की आज्ञा से, और यौवन में बिगड़ गया, परंतु पूर्व उस सुकृति का वजह से वो जब चोर डाकू हो गया, वेश्याशक्त हो गया, उस समय उनका कई एक लड़का भी पैदा हो गया। एक लड़का का छोटा लड़का, उसका नाम रखा था नारायण, और छोटा लड़का से सभी आसक्त होते हैं, तो वो लड़का को सब समय नारायण बेटा इधर आ बैठो, नारायण बेटा थोड़ा दूध पी लो, नारायण थोड़ा ये खा लो। ये जो नारायण नारायण का नाम लेता था वो उसको अकाउंट में जमा होता। तो आखिरी में वो जब जमराज का दूध उनको लेने आया, वो डर से भय से वो छोटा लड़का को बुलाया, बेटा नारायण देखो ये कौन आया है हमको ले दो। तो नारायण का नाम लेने से वो विष्णु दूत उनको रक्षा करने को आया। ये उपाख्यान श्रीमद् भागवत में है षष्ठ स्कंद में, और सुंदर भारी उपाख्यान है। तो नारायण का नाम लेने से उसका जमदूत का अधिकार नहीं रह गया और वो वैकुंठ में गया। कि स्वल्पम अपि धर्मस्य, वो जो थोड़ा थोड़ा नारायण बताया था उसमें उसका काम बन गया। कलियुग में ये जो भक्ति का मार्ग है, विशेष करके श्रवणम कीर्तनम, ये बड़ा सुप्रशस्त पथ है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए। ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, इसका प्रचार जो विषय है कि आप अपना अपना स्थान में रहिए, ये बात नहीं है जो हम लोग आपको सबको कहते हैं आप संन्यास बन जाइए, घर छोड़ दीजिए, बिजनेस छोड़ दीजिए, नहीं ये नहीं हम लोग बता रहे। आप अपना स्थान में रहिए, स्थाने स्थिता सुधिगता अनुतुनवान मनो भी। बाकी आपका जो कान है उसको भगवान की कथा सुनने में लगा, ये हम लोग का विचार है, ये शास्त्रीय विचार है। जैसे हम लोग कृपा करके आए हैं कुछ सुनने के लिए, ये काम करते जाए सर्वनम, और कुछ नहीं, कुछ भी आप नहीं करें। जब ये सत्संग में जाकर के और जो अनुभवी भक्त हैं उनको मुखारविंद से केवल भगवान की कथा आप सुने, बस आपका जीवन सफल हो जाए। केवल सुनने से सिन्नतांग सकता कृष्ण खुन्न श्रवण कीर्तन दिदंतस्थ अवग्राणी विधुनति सुहित सता। सात समय से बताया, यदि आप लोग कृपा करके केवल भगवान की कथा सुनिए, सिन्नतान सफता कृष्ण कृष्ण इतनी कृपामय है, जो जब देखता है कि भगवान की कथा आपको सुनने का रुचि हुई है, उसी वगैरह भगवान और कृपामय हो जाता। भगवान तो आपका हृदय में सब बैठे हैं, ईश्वर सर्वभूताना हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सबका हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, खाली देखता है कि क्या काम करता है। ये दुनिया में आए भोग करने के लिए, ये तो केवल फंस जाता है, तब इसको छोड़ छाड़ करके हमारा तरफ देखेगा। इसलिए भगवान खुद आते हैं, भीतर में बैठे तो भूए ही है और बाहर में भी आ जाते हैं, भगवान अवतीर्ण हो जाते हैं, अवतार ग्रहण कर जदा जदा ही धर्म सर्वानी भवती भारत। और भगवान अपना
प्रतिनिधि को भी भेज देते हैं कि किस तरह से हम लोग भगवान का तरफ देखें। हाँ, हम लोग भगवान को भूल करके समझते हैं हम बड़ा सुखी है, बाकी क्योंकि हम लोग भगवान को भूल गए इसलिए भगवान दुखी है। देखो ये हमको भूल करके ये भौतिक जगत में भोग करने के लिए फंस गया है, मन संस्कारी इंद्रियाणी प्रतिष्ठानी करती और इतना तकलीफ उठा रहे हैं, दिन रात गधे का ऐसा परिश्रम करते हैं एक रोटी के लिए, समझे ना। तो ये हम लोग का काम नहीं है। मनुष्य जीवन जो है शांति से, हाँ, कहीं भी भगवान जो कुछ दिया उसको भोजन करके शांति से समय को केवल भगवत चर्चा में लगाना उचित है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा यही एकमात्र काम है। शास्त्र का निर्देश यही है कि और तुम कुछ चेष्टा न करो। हाँ, ये जो खाने पीने का चेष्टा ये तो जानवर भी करता है। शासन कहते हैं अयम देह नायम देह नीलो के कष्टान कामान अरहति भी बुझान जी। जब तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर लेकर के इतना तकलीफ उठाए थे और अपना इंद्रिय तर्पण भी लिया और कोई अच्छा काम तो जानते ही नहीं, ये तो सुअर गधा ऐसा करता है, तो मनुष्य भी ऐसा क्यों कर। मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य है? तपो दिव्यम, मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए, यही हमारा भारतीय सभ्यता है। बड़े बड़े राजा अपना राज्य छोड़ कर दे जंगल में जाके तपस्या किया, ये आप लोग सब जानते। महाराज भरत जिसका नाम से ये भारतवर्ष है, 24 वर्ष उम्र में अपना राज्य और युवती स्त्री रानी बच्चे सब छोड़ करके वन में तपस्या करने के लिए, ऐसा बहुत उदाहरण है। तो मनुष्य जीवन असल में तपस्या करने के लिए है, न तपस्या क्यों किया जाए। हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का जी न शुद्धि तो सत्या, ये जो हमारा सत्ता है ये अभी अशुद्ध है। अशुद्ध होने का कारण ये भौतिक शरीर हमको मिलता है और फिर हमको इसको छोड़ने पड़ता है, फिर और एक भौतिक शरीर लेने पड़ता है। भूतकारुत्या प्रलीयते, ये जो झंझट है ये क्यों हुआ है? ये इसलिए है कि अभी सत्ता शुद्ध नहीं है। तो तपस्या करने से यदि सत्ता शुद्ध हो जाता है तो फिर तो हम ब्रह्म वस्तु है, तो ब्रह्मानंद हमको मिलता है। ये उद्देश्य है मनुष्य जीवन का। तपो दिव्यम पुत्रकार शुद्धेत सत्ता जीन ब्रह्म सुखम अनंत। हम लोग सुख चाहते हैं, अगर असल सुख जाए ब्रह्म सुख वो अनंत है, वो तात्कालिक नहीं है, ये सब शास्त्र ने बताया। तो कलियुग में यदि आप ब्रह्मभूत होने को चाहते हैं, बड़ा सरल उपाय, हाँ वो सरल उपाय है यही कि भगवान की कथा सुनिए। चिन्नताम सकथा कृष्ण, कृष्ण भगवान, भगवान की कथा नहीं कृष्ण की कथा। हाँ, कृष्ण की कथा एक तो भगवद गीता है जो कि भगवान स्वयं कृष्ण बता रहे हैं, वो भी कृष्ण की कथा, और एक श्रीमद् भागवत है वो भी कृष्ण की कथा, मैंने कृष्ण विषय का कथा है, दोनों ही कृष्ण की कथा। तो कृष्ण कथा सुनी, श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत, हाँ ये सुनी, सवनाम कीर्तन, हाँ सुनने से आपका जीवन सफल हो। और हाँ किधर से सुनिए, हाँ शतांग प्रसंगात्म बीज संविद भवंती नित्य रसायन कथा, कृष्ण कथा वहां से सुनना चाहिए जो कि भगवत भक्त है, जो कि बिजनेस के लिए भगवान की कथा सुनाता है उनका पास नहीं, जो कि अपना जीवन दिया है भगवान की सेवा के लिए
ऐसे व्यक्ति उसको भागवत कहा जाता है, नित्यंग भागवत सेवा। तो घर घर में आप लोग भागवत सुन सकते हैं और शुद्ध भी हो सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है यदि आप लोग चाहें। हाँ, जैसा ये हमारा समाज में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये लोग सब शुद्ध आचरण करते हैं, चार चीज छोड़ देता है, अवैध स्त्री संग, अपना विवाहित स्त्री छोड़ करके कोई स्त्री से संपर्क नहीं, इसका नाम है अवैध स्त्री संग, इलिसिट सेक्स, ये छोड़ना चाहिए। और मीट ईटिंग, मांस मछली आदि छोड़ देना चाहिए, शुद्ध हो जाए। और नशा भांग, देखिए बालक लोग चाय भी नहीं पीते हैं, बीड़ी भी नहीं पीते, सब छोड़ दिए, ये शुद्ध करते हैं। तपस्या, ये तपस्या है, तपस्या करने से जो सत्ता है शुद्ध हो जाता है, ये सब चीज छोड़ देना चाहिए। चार प्रकार के पाप है, त्रियसुना पान द्यूतो जत्र पाप से दुर्विध, जो अवैध स्त्री संसर्ग और वृथा हिंसा, पशु हिंसा। जब भगवान हमको इतना चीज दिया है तो फिर हम पशु हिंसा क्यों कर, जहां कुछ मिलता नहीं, डेजर्ट है, उधर कोई अगर पशु को मार के खाया तो उसका उतना पाप नहीं लगता, क्या करे बेचारी क्या खा। और भारतवर्ष में और कहीं भी हो, अमेरिका में भी बहुत खाने का चीज है, जितना चाहे दूध पीजिए, जितना चाहे अनाज लीजिए और खाद्य द्रव्य लीजिए, सब मौजूद है। बाकी स्वभाव हो गया मांस खाने के लिए, हजारों स्लॉटर हाउस सब रखते हैं, तो ये सब पाप कार्य है। ये पाप कार्य चलने से कभी सुखी नहीं होगा, भगवान को, भगवान को तभी मिल सकेगा जब पाप से हम लोग मुक्त हो। जेषां तु अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्माणाम ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ति इमान विरुद्ध। भगवान ऐसे नहीं बोलते तुम्हारा जो खुशी करो पाप करो और हमको मिल जाएगा, नहीं, ऐसी बात नहीं। पाप से जो सुन कह, तो भगवान जो है परब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान, भगवान परम पवित्र है, तो पवित्र का पास पापी नहीं जा सकता, इसलिए हमको भी पवित्र होने पड़ेगा। तो भगवान खुद भी बताते हैं कि जेषां तु अंतगतम पापम जनानां पुण्यकर्माणा ते दंड महानिर्मुक्त भजन्ति इमान विरभ्रत। ये पुण्यकर्म क्या चीज है, सिन्नतां सतथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये जो श्रवण कीर्तन है ये सबसे बढ़िया पुण्य कार्य है और बड़ा सरल है। और आजकल जगदान तप क्रिया, जग करना, दान करना और सब तपस्या जंगल में जाकर के हिमालय में, ये तो सब हो नहीं सकेगा, ये कलयुग में असंभव है। इसलिए एक कार्य, एकमात्र ये पुण्य कार्य है, सिन्नतान सकथा कृष्ण, भगवान की कथा सुनी, कहीं भी अपना स्थान में रहकर के भगवान की कथा सुनी, उसमें आपको पुण्य अर्जन। और अपनी खुशी से ये चार चीज छोड़ दी, अवैध स्त्री संग, मांसाहार और नशा भांग और जुआ, जुआ खेल, ये चार चीज छोड़ दी। और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, ये नाम को जपा, सब कोई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं। घर में रहिए, अपना बिजनेस में रहिए, जो है आप कीजिए, जैसे जैसे आप शुद्ध हो जाएंगे फिर पाप कर्म आपसे छूट जाएगा। सन्नता सकता
पुण्य श्रवण थी। जितना भगवान का नाम सुनिएगा हरे कृष्ण उतना ही पवित्र होते जाए, चेत दर्पण मान उतना ही आपका चित्त दर्पण मार्जित हो जाए और फिर सब चीज आपको हृदय में प्रकाश होगा। ये कलिजुग के लिए विशेष है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम ही वो केवल कलो नास्तिव 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 गतिरन्नता। और सब जो प्रोसेस है कर्म ज्ञान योग आदि ये सब संभव नहीं है। इसलिए कलिजुग जितना कलिजुग के व्यक्ति जितना पतित है भगवान कृपा करके उससे भी सरल उपाय बता दिया। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्नता। तो इसके लिए कोई रोक नहीं है कि केवल हिंदू ही हरे नाम कर सकेंगे और नहीं नहीं हिंदू मुसलमान का कोई बात नहीं है, सबके लिए अधिकार है। आचंडार सबके लिए पीरा तो हूनांद फुलिंद पुपसा अमीर सुंदा जमुना खसार जिनने जो पापा कोई पापी तापी का विचार नहीं, सब कोई ये भगवान का नाम जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि आप ये सब पाप कर्म छोड़ दें और भगवान का नाम करें तो फिर आपका मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। किसी को पता सभी गुमसाम करो धर्म जतो भक्ति रधुत करे और उसके लाभ क्या होगा अहित की अप्रतिहता। अब ये जो भक्ति आप जागरण करेंगे दुनिया में ऐसे कोई चीज नहीं है जो इसमें बाधा डाल सकता है। किसी अवस्था में ये भगवान का नाम आप श्रवण कर सकते। आप गरीब है अमीर हो और हिंदू हो मुसलमान हो जो कोई हो कोई बात नहीं, सब कोई भगवान का नाम ग्रहण कर सकते हैं। किसी का लिए रोक नहीं है, सबके लिए खुला है। और जितना आप भगवान का नाम लीजिएगा उतना ही आपका जो चित्त है चेत दर्पण मार्जन वो आयनक का ऐसा है वो जैसे आयनक में धूली जम जाने से दिखाई नहीं पड़ती है उसको साफ करना चाहिए। इसी प्रकार हमारा जो हृदय है वो तो स्वच्छ है उसमें भगवान का नाम से वो विद्वंतस्थ अवध्राणी विधुनति सुहित तथा भगवान उसको साफ कर देते हैं। कि आप अपना मुंह देख लीजिए कितना सुंदर है, आपका ये भौतिक शरीर नहीं है आपका चिन्मय शरीर है जो कि न हन्नते हन्न माने शरीरे। ये शरीर नष्ट हो जाने से चिन्मय शरीर सब समय रहता है और वो चिन्मय शरीर से ही अब चिन्मय धाम में जा करके जो चिन्मय भगवान जो सच्चिदानंद विग्रह है उनका साथ एक साथ में रह सकेंगे और सब दिन के लिए भगवान का साथ आनंद कर सकेंगे आनंदमय अभ्यास। यही हम लोग का प्रचार जो विषय है और बहुत सरल है, आप लोग इसको ग्रहण कीजिए और सुखी होइए। थैंक यू वेरी मच। हरे ये भारत भूमि आए परोपकार के लिए, दूसरों को लूटने के लिए नहीं है। ये चैतन्य महाप्रभु का निशान है। और जात जितने जात है भारतवर्ष का बाहर उसका खाली प्लान होता है दूसरे को किस तरह से लूटा जाए। ये भारत भूमि का वो प्लान नहीं है। भारत भूमि का प्लान है करो परोपकार, क्योंकि दूसरे और जो भारत के बाहर जो सब है कुछ जानते ही नहीं। जीवन का क्या उद्देश्य है उसको समझाना चाहिए। जो अपना जीवन को सफल करना चाहिए उसको जीवन सफल करने के लिए तो भगवान खान बता रहे हैं और भगवान के भक्त लोग भी बता रहे हैं, उसको सुना जाए उसमें अभी काम किया जाए अपना जीवन सफल हुआ फिर जाके वही बात दूसरे को जाके बताइए उनको जीवन सफल कीजिए। ये चैतन्य महाप्रभु का मिशन है। भारत भूमि ते मनुष्य जन्म ही न जा जन्म सार्थक करी करो परोपकार। पृथ्वी ते आछे जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो गए मौजा। तो कहने का बात तो बहुत है ताकि आप लोग से निवेदन है ये जो भारतीय कृष्टि है ये सब लोग ले रहे हैं
ऐसी बात नहीं है जो हम लोग हवा में बकते हैं. एक्चुअली दे आर एक्सेप्टिंग. इसलिए ये जो कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस अर्थ यही है जो भगवान कृष्ण जो बताते हैं वो मैसेज जो है उसको लीजिए, उसको अच्छी तरह से समझिए और दुनिया में प्रचार कीजिए. देखिएगा ये भारत का जो ग्लोरी कितना बढ़ती है. ये आप लोग से निवेदन. थैंक यू वेरी मच.